हेलो फ्रेंड, मैं आकांक्षा आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल आशा क्रिएशन पर। आज हम इस वीडियो में पैंट की कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे। इसके लिए हमने 2 मीटर फैब्रिक लिया हुआ है कॉटन का। अब देखिए, इस तरीके से हमें इसे ओपन करना है। देखिए, इस तरीके से हमें जो लंबाई वाली पार्ट है, इस तरीके से हमें इसे 2 फोल्ड करते हुए हमें अच्छे से रख लेना है। देखिए, इस साइड में हमारा खुला भाग है और इस साइड में हमारा बंद भाग है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले बेल्ट का निशान लगाएंगे 2 इंच पर। देखिए, इस तरीके से हमें सीधी लाइन बना लेनी है। देखिए, यहाँ पर हमने बेल्ट का निशान लगा लिया है। अब यहाँ पर हमें लंबाई का निशान लगाना है, तो हमें देखिए 2 इंच का जो बेल्ट है, हम इसको छोड़ते हुए हम यहाँ पर नीचे से 36 इंच पर हमें लंबाई का, पैंट का लंबाई का जो नाप है वो लगाना है। देखिए, इस तरीके से हम 36 इंच पर मार्क कर ले रहे हैं और इसे देखिए सीधी लाइन बना लेंगे। अब यहाँ पर हम बॉटम को फोल्ड करने के लिए हमें 2 इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक ले रहे हैं। देखिए, इससे भी हम सीधी लाइन बना लेंगे इस तरीके से। देखिए, यहाँ पर हमने बेल्ट का निशान लगा लिया है लंबाई, और यहाँ पर हमने बॉटम का जो हमारा फोल्ड करने का था वो भी हमने यहाँ पर लगा लिया है मेजरमेंट। अब देखिए, यहाँ पर हमारा जो एक्स्ट्रा फोल्डेड साइड है, उस साइड में हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है। तो इस तरीके से हमें 1/2 इंच पर मार्क करना है। देखिए, इस तरीके से स्केल से हमें इन सभी पॉइंट को मिलाकर सीधी लाइन बना लेनी है। देखिए, यहाँ पर हमारा 1/2 इंच का जो मार्किंग था वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए, यहाँ पर हम कमर का निशान लगाएंगे। तो देखिए, कमर का ना लेकर मेजरमेंट हम यहाँ पर हिप का लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा हिप है 42 इंच, और 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 10.5 इंच आएगा। और देखिए, यहाँ पर हम 1/2 इंच जो हमने मार्जिन लिया था एक्स्ट्रा फैब्रिक, उसको छोड़ते हुए हम यहाँ पर 10.5 इंच पर मार्क करेंगे। अब यहाँ से हमें आसन का निशान लगाना है। तो आसन का फॉर्मूला हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, 42 इंच हमारा हिप है, और यहीं से 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 14 इंच आएगा, और 1 इंच हम प्लस करेंगे तो यहाँ पर हमारा 15 इंच आएगा। तो इस तरीके से हमें 15 इंच पर मार्क करना है। देखिए, यहाँ पर हमें गोलाई देने के लिए यहाँ पर एक्स्ट्रा 2 इंच की ज़रूरत रहती है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं, और यहाँ पर हल्का सा राउंड शेप देंगे। देखिए, यह हमारा क्रॉच का जो निशान है वो लग चुका है। अब देखिए, इन दोनों के बीच में हमें सेंटर लेना है। तो यहाँ पर हमें इन दोनों का बीच का जो माप लेना है, देखिए यहाँ पर हमें 2 इंच जो एक्स्ट्रा लिया था वहाँ से लेते हुए हमें 1/2 इंच तक हमें मेजर करेंगे। तो यहाँ पर हमारा 13.5 आ रहा है। इस तरीके से हम टेप को डबल रखेंगे और यहाँ पर हम सेंटर मार्क कर लेंगे। अब देखिए, एक बार फिर से हम यहाँ पर मेजर करेंगे तो यहाँ पर हमारा 7.25 आ रहा है। तो इस तरीके से 7.25 का मार्किंग करते हुए हमें नीचे बॉटम तक लेकर जाना है। देखिए, इस तरीके से हमें 7.25 पर मार्क करना है और नीचे बॉटम तक लेकर जाना है। देखिए, यहाँ पर हमने बॉटम में भी मार्किंग कर लिया है सेंटर पर। अब देखिए, इन सभी पॉइंट को मिलाते हुए हमें सीधी लाइन बना लेनी है इस तरीके से। देखिए, हमने जहाँ पर क्रॉच का निशान लगाया यहाँ पर भी हमें सीधी लाइन बनानी है। देखिए, यहाँ पर हमने दोनों साइड में सेंटर मार्क कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए, बॉटम का ज़रूरत है। तो बॉटम हमारा जो है राउंड, वो हमारा 12 है। तो 12 को हम 4 से डिवाइड करें, सॉरी 12 है, 12 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारा 3 इंच आएगा। तो देखिए, सेंटर से हमें दोनों साइड में 3 इंच लेते हुए मार्क करना है। देखिए, दोनों साइड में हमने 3-3 इंच लिया हुआ है। अब देखिए, ये स्केल हमारा कर्व वाला है। तो इस तरीके से दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हमें यहाँ पर मार्क करना है। देखिए, इस तरीके से हमें यहाँ पर मार्क कर लेना है। ऐसे ही हमें दूसरे साइड में भी रखना है और यहाँ पर भी मार्क कर लेना है।
देखिए दोनों साइड में हमारे निशान लग चुके हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए यहाँ पर हमारी कटिंग हो चुकी है। अब देखिए इस साइड में हमारा जो बन भाग है, देखिए यहाँ पर हमारा जो बन भाग है हम इसको भी ओपन कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें रखते हुए यहाँ पर भी कट कर लेना है। देखिए हमारा फ्रंट पार्ट का कटिंग हो चुका है, अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट के लिए हमें देखिए इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए फैब्रिक को रखना हुआ है। अब हम फ्रंट पार्ट का फैब्रिक लेंगे और इसके ऊपर हमें अच्छे से रखना है। देखिए फ्रंट पार्ट के इस पार्ट को हमें अच्छे से मिलाते हुए रखना है। देखिए इस तरीके से हमें अच्छे से मिलाना है और हमें पिन से सिक्योर कर लेना है। देखिए हमने पिन से सिक्योर कर लिया। अब हमारा देखिए क्रॉच एरिया के साइड से हमें यहाँ पर 2 इंच का मार्क करते हुए हमें निशान लगा लेना है। देखिए इस तरीके से 2 इंच लेते हुए हमें निशान लगाना है। देखिए अभी हमें इन सभी निशानों को मिला लेंगे। देखिए इस तरीके से हमें इन सभी निशानों को मिला लेना है। जैसे हमारा फ्रंट पार्ट का निशान लगा हो वैसे सेम यहाँ पर हमें बैक पार्ट का भी निशान लगाना है। देखिए इस तरीके से, देखिए हमारे यहाँ पर निशान लग चुका है। अब यहाँ पर हमें बेल्ट भी 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पर बेल्ट का भी 2 इंच एक्स्ट्रा मार्किंग करना है। और यहाँ पर भी हम सीधी लाइन बना लेंगे। देखिए अब हम यहाँ पर बेल्ट में भी हमें हल्का सा क्रॉस निशान लगाना है। तो देखिए इस पॉइंट से लेकर हमें इस पॉइंट से हमें हल्का सा क्रॉस निशान लगाते हुए मिलाना है। देखिए इस तरीके से, देखिए अब यहाँ पर से हम सीधा कटिंग कर लेंगे। देखिए हमारा फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों की कटिंग हो चुकी है। देखिए यह हमारा फ्रंट पार्ट है और ये हमारा बैक पार्ट है। देखिए फ्रंट पार्ट को, ये हमारा बैक पार्ट है। देखिए ये हमारा फ्रंट पार्ट को हम इस तरीके से उठाएंगे और यहाँ से देखिए क्रॉच एरिया को सिलाई करेंगे। देखिए इस तरीके से आपको दिखाते हैं, सिलाई हो गई है। अब ऐसे ही हमने बैक पार्ट के फैब्रिक को भी सिलाई कर लिया है, क्रॉच एरिया को। देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर भी सिलाई लगा लिया है। अब देखिए इन दोनों पार्ट को हमारे, देखिए साइड का जो पार्ट है हम इस तरीके से रखते हुए हमें यहाँ से, देखिए हमने 6.5 इंच पर यहाँ नीचे छोड़ा हुआ है और यहाँ से हमें लेते हुए यहाँ पर सिलाई लगानी है। आपको सिलाई करके दिखाते हैं। देखिए ये हमारा ऊपर साइड से कमर के साइड से हम यहाँ पर सिलाई लगा रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो चौक लगाया वहाँ से हमें फिर से रिटर्न ले लेना है। यहाँ हमने डबल सिलाई लगा ले रहे हैं। देखिए यहाँ पर हमने सिलाई लगा लिया है, ये देखिए। ऐसे ही हमें दूसरे साइड में भी सिलाई लगानी है।
देखिए यहाँ से हमने 6.5 इंच पर छोड़ते हुए हमें फिर से रिटर्न सिलाई लेना है, डबल सिलाई। देखिए यहाँ पर आपको एक बार फिर से दिखाते हैं, यहाँ हमने 6.5 इंच पर छोड़ा हुआ है। देखिए इस तरीके से अभी हम यहाँ पर चौक का निशान बनाना है। देखिए इस तरीके से हमें हल्का सा फोल्ड लेते हुए, जैसे हम कुर्ती में चौक बनाते हैं ना, सेम यहाँ पर भी हमें चौक के जैसा बनाना है। देखिए इस तरीके से फिर से इस साइड में हमें फोल्ड लेते हुए हमें फिर से अच्छे से सिलाई करना है। देखिए यहाँ पर हमने अच्छे से सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पर हम पोटली बटन रेडी करेंगे लगाने के लिए। देखिए इसके लिए हमने यहाँ पर थर्माबॉल लिया है। देखिए यहाँ पर हमने 2x2 का फैब्रिक लेते हुए इसमें थर्माबॉल बॉल को रखते हुए हमें इसके धागे से देखिए इस तरीके से हमें गांठ लगाना है। नॉट लगाते हुए हमें यहाँ पर पोटली बटन रेडी कर लेना है। देखिए हमारे यहाँ पर पोटली बटन रेडी हो चुका है। ऐसे ही हमें और पोटली बटन रेडी करना है। देखिए इस तरीके से फिर से एक बार दिखाते हैं। देखिए हमें थर्माबॉल को इस तरीके से लेना है और इसके अंदर हमें इस तरीके से इसके चारों ओर हमें थ्रेड से नॉट लेना है। नॉट लगाते हुए हमें इसे अच्छे से पोटली रेडी कर लेना है। देखिए इस तरीके से हमने और पोटली बटन पहले से रेडी करके रखा है। देखिए अब देखिए यहाँ पर हमारा जो फैब्रिक है इस तरीके से हम इसको लेंगे और इसके देखिए हमारा बैक पार्ट जो है, इस पैंट का जो बैक पार्ट है उसमें हम इस तरीके से फैब्रिक को अटैच करेंगे। तो देखिए पहले हम इस फैब्रिक को सिलाई कर लेंगे। देखिए यह हमारी सिलाई हो चुकी है। अब देखिए यहाँ पर हमारा जो बैक पार्ट था, बैक पार्ट को इस तरीके से हम रखते हुए यहाँ पर हम सिलाई लगा लिए हैं। देखिए इस तरीके से हमारे यहाँ पर सिलाई लग चुका हुआ है। अब देखिए इस तरीके से हमें जो इसका जो पोटली बटन हमने रेडी किया था, तो यहाँ पर से देखिए इस तरीके से हमें पोटली बटन रखते हुए हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। ऐसे ही हमें एक एक करके पोटली बटन को रखना है और उसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। देखिए पोटली बटन लगाने के बाद हमारा कुछ इस तरीके से दिख रहा है और हमें देखिए इस पर सिलाई लगा लिए हैं। देखिए अब देखिए यहाँ का जो पीछे का पार्ट है, हम इसको इस जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम कट कर देंगे और देखिए इस तरीके से हम अंदर साइड में सिलाई लगा लेंगे। ऐसे ही हम दूसरे पैर को भी रेडी कर लेंगे। देखिए यह हमारा दूसरा पैर है। अब देखिए पैर का फैब्रिक है इस तरीके से, देखिए यहाँ पर भी हमने रेडी कर लिया है। अब यहाँ से हमें सिलाई लगाएंगे अंदर साइड में। देखिए हमारा इस साइड में भी सिलाई हो चुका है। अब हम इसके बॉटम को फोल्ड करेंगे। देखिए इस तरीके से हमें 1 इंच लेते हुए हम इसके बॉटम को फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे।
देखिए इस पैर का हमें इस तरीके से दोनों पैर का बॉटम हम रेडी कर लिए हैं। अब देखिए इसके कमर में हम सिलाई लगाएंगे, तो देखिए इस तरीके से हमें बेल्ट का रेडी करने बेल्ट रेडी करने के लिए देखिए इस तरीके से हमें आधा इंच का फैब्रिक अंदर साइड में लेते हुए इस तरीके से हमें इसे फोल्ड करना है कि हमारे अंदर साइड में 1 इंच का इलास्टिक अंदर साइड जा सके, और हम इधर थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ेंगे जिससे हमारा अंदर इलास्टिक जा सके। तो देखिए इस तरीके से हमें फोल्ड करते हुए हमें इसे सिलाई लगा लेनी है। देखिए हमने यहाँ पर थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए हमें सिलाई कर लिए। देखिए यहाँ पर हमने कपड़ा छोड़ा है इलास्टिक डालने के लिए। देखिए अब हम इलास्टिक का मेजरमेंट इलास्टिक लेंगे, तो देखिए हमारा जो कमर है 35 इंच है, 35 इंच में हम 4 इंच माइनस करेंगे तो हमारा 31 आएगा। तो देखिए हम 31 इंच का इलास्टिक इसमें डालने वाले हैं, तो 31 इंच का इलास्टिक हम इस तरीके से कट कर लेंगे, और यहाँ पर देखिए पिन की मदद से हमें इसके अंदर डालना है। देखिए इस तरीके से हमें अंदर साइड में इंसर्ट करना है। आपको अंदर डाल के दिखाते कैसे मतलब जाने के बाद देखिए हमारा अंदर जा चुका है। अब देखिए इस तरीके से हम इलास्टिक को लेंगे और एक दूसरे के ऊपर रखते हुए हमें इस पर सिलाई लगा लेनी है। आपको सिलाई करके दिखाते हैं। देखिए हमारी इलास्टिक की सिलाई हो चुकी है। अब देखिए इलास्टिक को अंदर डालने के लिए इस तरीके से हम इलास्टिक को खींचेंगे तो हमारा अंदर चला जाएगा, और देखिए हमारा जो खुला हुआ है हम इस तरीके से इसमें सिलाई लगा लेंगे। देखिए हमारा ये बंद हो चुका है जो खुला हुआ भाग था। अब देखिए हमारा जो गेदर है इसको इक्वल करने के लिए हमें इलास्टिक को इस तरीके से खींचना है। देखिए इस तरीके से हम खींचेंगे तो हमारा गेदर इक्वल हो जाएगा, और हम अब इसके सेंटर में सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरीके से हमें इधर रखना है, और सेंटर में सिलाई लगाने से दोनों साइड में हमें खींचते हुए सिलाई लगाना है। देखिए इस तरीके से हमें दोनों साइड में सिलाई खींच के देखिए यहाँ पर हमारा सिलाई हुआ है। इस तरीके से हमें सिलाई खींचना है और हमें लगाना है। देखिए हमारा ये लग चुका है यहाँ पर सिलाई। अब देखिए हमारा पैंट रेडी हो चुका है। अब आपको रेडी हुआ पैंट दिखाते हैं। देखिए हमारा ये रेडी हुआ पैंट है। फ्रेंड अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट में जरूर बताना आपको कैसे लगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।